नहीं चल दे हेलो व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो जी मैं बना रही हूँ कढ़ी, यहाँ पर हो रही है कढ़ी की तैयारी। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। लेकिन मैं कढ़ी की रेसिपी आपसे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो सबको बनानी आती है, मैं बनाकर बोर नहीं करूँगी। हम बाकी का अपना व्लॉग बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पकोड़ों का जो है वो सामान तैयार कर लिया है। इसमें पालक, हरी मिर्च और आलू और प्याज, ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। एना ने पुदीना जो है वो चटनी के लिए कर दिया है रेडी। अच्छा ठीक है। और ये मैंने तड़के के लिए प्याज भी डाल दिया है। बेसन को मैं छान रही हूँ। तो कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ गैस भी आ गई है, ये बड़ी पते की बात तुमने बताई है कि गैस आ गई है और अभी भी आई है। ये देखें जी, यहाँ पर कढ़ी जो है वो मैंने कर दी है स्टार्ट बनानी। मसाला भी पीस लिया है। और ये लेकर आई हूँ मैं मेथी का डिब्बा। और ये ऊपर जब तड़का लगा कर ऊपर डालें तो आप यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर जोजी बना रहा है कढ़ी और मैं बना रही हूँ व्लॉग। हाँ, जोजी की फरमाइश पे आज कढ़ी हम लोग बना रहे हैं। इसके पापा मुझे कितने दिनों से कह रहे मैंने नहीं बनाई। और आज हम लोग बाजार गए तो जोजी ने कहा कि कढ़ी ही खानी है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है आज कढ़ी बना लेते हैं। यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है, इसको हम ढक देंगे। कढ़ी भी पक रही है, समोसे का मसाला भी हो गया है रेडी। और बच्चे जो हैं वो ट्यूशन चले गए हैं क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो गया था। बच्चों को मैंने जो है वो थोड़ा बहुत खिला दिया। मैंने कहा बाकी आके तुम लोग जो है वो खाना खा लेना पापा के साथ साथ मैं अपने रोज़े की भी तैयारी कर रही थी। तो मैंने कुछ रोज़े के लिए भी चीज़ें बना ली हैं। तो अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ी की फाइनल लुक। बहुत ही मज़े की रेडी हुई है। और अब मैं बनाऊंगी रोटी और ये खाने के लिए पकोड़े। यहाँ पर बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से वापस। मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है ठंडा, ये वाला पी लेना। तो बच्चे खाने लगे हैं खाना और मेरा भी तकरीबन पौना घंटा रह गया है। 6 बजे रोज़ा खोलूंगी मैं। तो अभी बच्चे जो हैं वो खाना खा ले। मैंने घी लगा दिया है इसमें। हाँ ऐसे लग रहा है घी वाले। चलो खा लो, भूख लगी होगी है ना बहुत ज्यादा। और खानी है तो मुझे बता दो, एक ही खानी है। चलो ठीक है खा लो। यहाँ पर जी दूध आ गया है, दूध मैंने गर्म कर लिया है। तो अब ठंडा हो गया, मैं मलाई जो है वो उतार लूंगी तो फिर बनाऊंगी मैं चाय। तो एक तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं रोज़ा खोलूँगी फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो बाकी मैंने नींबू पानी भी बना लिया है, काफ़ी ठंडा हो गया है। और राज आए थे तो मुझे फ्रूट दे के चले गए हैं, स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज लेकर आए थे रोज़े के लिए। तो ये मैंने वॉश करके यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बाकी राज फिर वापस चले गए हैं, आएंगे अब शाम को, देखते हैं कितने बजे आते हैं। मौसम बहुत मज़े का है, ठंडी हवा चल रही है और मैं कमरे में थी और अब मुझे सर्दी लग रही है। मैं बाहर आई हूँ तो मैं वापस जा रही हूँ कमरे में। तो यहाँ पर अब मैं रोज़ा खोलूँगी। मैंने कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं कुछ भी किया, कढ़ी बनाई थी उसमें से थोड़े से पकौड़े रख लिए थे, स्ट्रॉबेरी है और ऑरेंज है और नींबू पानी मैंने बनाया। तो बस मैं इसी में रोज़ा जो है वो खोल लूँगी। तो इसके बाद जो है वो मैं फिर अपने लिए खाना बनाऊंगी। जी यहाँ पर हम लोगों ने जो है खाना वाना खा लिया है। और जैसे ही मैंने रोज़ा खोला उसके बाद मेरी हो गई तबीयत ख़राब
और अभी भी जो है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे उल्टी आ रही है, और मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, तो इससे हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। तो मेरे चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, और मुझे दी इजाज़त नेक्स्ट वीलॉग के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।